नमस्ते, ये आर लिटिल स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2020 ये साल कोरोना की महामारी की वजह से बड़ा ही संकटमय है, बड़ा ही मुसीबतों भरा है। सबके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, फिर भी हमने उसके ऊपर एक उपाय, ऑनलाइन का उपाय निकाला है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि आप ऑनलाइन पढ़ाई ले सकते हैं, तो हमने कोरोना की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है। अभी ऑनलाइन पढ़ाई हमारी शुरू हुए 2 महीने हुए हैं। 2 महीनों में मेरी और आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो इसीलिए आज मन किया कि क्यों ना हम आज बात करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने जो वीडियो भेजे राधा कृष्ण के 15 अगस्त के, वो देख के मुझे खुशी भी बहुत हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो वीडियो भेजने के लिए, और आपका सपोर्ट देख के मुझे अच्छा लगा। और ऐसे लगा कि आप स्कूल को बहुत 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 मिस कर रहे हैं, हम भी आपको भी मिस कर रहे हैं, बच्चों को भी मिस कर रहे हैं। हमें भी बहुत याद आ रही है बच्चों की। ऑनलाइन से तो स्टडी जा रही है, फिर भी फेस टू फेस हम नहीं मिल पा रहे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वो बच्चे आपके नहीं, हमारे भी है उतने। हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। आपको तो मालूम ही होगा, जब आप बच्चों को ऐसे बाहर भेजते खेलने के लिए, तो आप उसकी सेफ्टी के प्रति इतने फ्री नहीं रहते होंगे जितने आप स्कूल में जब बच्चा जाता था तब आप उसके सेफ्टी के प्रति फ्री रहते थे। आपको भरोसा था स्कूल के ऊपर कि स्कूल में मेरा बच्चा सेफ है। तो वो दिन याद आते हैं स्कूल के, वो बच्चों का आना, वो बच्चों का किलकारियाँ, बच्चों का हंसना, बच्चों का कूदना, वो मुझे भी बहुत मिस आता है, मिस करती हूँ मैं बच्चों को। फिर भी कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों का वीडियो देख के हमें लग रहा है कि बच्चे हमारे साथ हैं। वो वीडियो देख के ऐसे लग रहा है स्कूल हमारी शुरू है। हमने उन पे ही एक ये उपाय निकाला है कि वीडियो के थ्रू हम ऐसे बच्चों को ऐसे हम इकट्ठा है, हम एक परिवार है ये दिखा रहे हैं। और आप भी एक परिवार की तरह ही हमारे साथ पेश आ रहे हैं, ये भी सोच के, ये भी देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ना कि ऐसे कैसे, बाहर तो ऐसे सुनाई दे रहा है कि प्राइवेट स्कूल तो ये पैसों के लिए काम करती है, प्राइवेट स्कूल ऐसे, प्राइवेट स्कूल वैसे, ये ऐसे अलग अलग कोई भी बातें कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल को लेकर। पर जो आपका बिहेवियर देख के मुझे ऐसे लगता है कि कितनी मैं लकी हूँ, पीआर लिटिल स्टार कितना लकी है कि पीआर लिटिल स्टार को आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं। आपका प्यार देख के मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे प्राइवेट स्कूल के बारे में सोचते होंगे। आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल के भी कुछ मजबूरियां रहती है, अभी बहुत सारे जुड़े रहते हैं। अभी ये ऑनलाइन हम स्टडी ले रहे हैं, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर भी मेहनत कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं है। एक वीडियो बनाना बहुत मुश्किल भरा काम रहता है। एक वीडियो बनाने के लिए पूरे दिन सोचना पड़ता है, पूरे दिन वो वीडियो के बारे में सोचना पड़ता है, वो वीडियो बनाते बनाते पूरा दिन निकल जाता है। 8 घंटे 7 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। और वो वीडियो बनाना टीचर के लिए तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टीचर की प्रोफेशन पढ़ाना है, टीचर एक्टर नहीं है। अचानक ये कोरोना की वजह से टीचर को 2 रोल निभाने पड़ रहे हैं, एक एक्टर का भी, तो ये आसान काम नहीं। तो ये जो प्राइवेट स्कूल की टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं, और ये आप समझ रहे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत अच्छा लगता है कि आप समझ रहे, टीचर की मेहनत आपको दिख रही है। तो इसीलिए ऐसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाने की ट्यूशन फी ले सकते, और वो लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि स्कूल
ऊपर और भी बहुत सारे लोग डिपेंड है। अभी ये हमारा छोटा स्कूल है, फिर भी स्कूल के ऊपर स्कूल की काम वाली बाई होती है। अभी स्कूल फिर भी बंद है, पर काम वाली बाई तो रोज आती है, रोज वो स्कूल को क्लीन करके जाती है। वो नहीं आएगी तो स्कूल गंदी हो जाएगी, स्कूल का सामान गंदा हो जाएगा, स्कूल का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और उसका भी घर है, उसके ऊपर भी कोरोना का संकट है, उसका भी घर चलाना है उसको, तो उसको तो पगार देनी पड़ती है। टीचर है, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रही है, वो मेहनत कर रही है बच्चों के लिए। आपका बच्चों का भविष्य बिगड़ ना जाए, उनका नुकसान ना हो जाए ये कोरोना की वजह से, इसलिए ये ऑनलाइन पढ़ाना जारी रखा है और मेहनत का काम कर रहे हैं टीचर, तो उनको भी पगार देनी पड़ती है। तो प्राइवेट स्कूल को तो आपको समझते हैं, आप समझदार पेरेंट्स हैं, इसीलिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे ही बातों बातों में मुझे ऐसे याद आता है और बोलने का मन करता है, तो आप ये बातों का बुरा मत मानिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ये हम अपने बारे में ना सोचे ताकि सोचे और दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यही तो मानवता धर्म है कि अपने बारे में तो सभी सोचते, पर तो जो दूसरों के बारे में सोचते वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा धर्म है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर ये बोलने बोलने में मेरे मुंह से आ जाता है। फिर भी आपको मेरी बातों का कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। और आपको कुछ ऐसे डाउट हो ये वीडियो के ऊपर, स्कूल के ऊपर कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ना ये भी आप बता सकते हो। तो प्लीज आप कमेंट करिए, मुझसे बातें करिए, मुझसे जुड़े रहिए। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, बिकॉज आई लव किड्स। तो चलो बाय, यहीं पे मेरी बातें मैं रुकती हूँ। बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर करिए आपके चैनल को, पीआर लिटिल स्टार। ये आपका चैनल है, आपका फेवरेट चैनल। तो बाय बाय।